धार पुलिस को अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। सीएम शिवराज के आदेश पर प्रदेश भर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए कार्यवाही की जा रही है। थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने एक अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से 19 नग देशी 12 बोर के कट्टे, 2 पिस्टल और 1 देशी रिवाल्वर के साथ ही 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आज धार पुलिस एसपी ऑफिस के सभागृह में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारी जो टीम है, जिसमें एडिशनल एसपी एसडीओपी मनावर, थाना प्रभारी मनावर ब्रजेश, चौकी प्रभारी सिंघाना अभिषेक, जो टीम है लगातार एक अवैध हथियार के तस्कर पर लगी हुई थी, जिसे आज गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम सुरजीत पिता नानू सिंह सिकलीकर है। इसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और इसे आज गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 19 देसी बोर के कट्टे, 2 देसी पिस्टल, 1 देसी रिवॉल्वर, 3 12 बोर के जिंदा कारतूस, 3 पिस्टल के जिंदा कारतूस, मशरू का करीबन 1,80,000 का इसे जब्त किया गया है। इसका पूर्व में भी इंदौर में रिकॉर्ड है और ये इंटरस्टेट लेवल पे हथियार सप्लाई करने का काम करता है। इसे गिरफ्तार किया गया है और संभावना है पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। आरोपी सुरजीत सिंह सिकलीकर से पुलिस सख्ती से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे उसके अन्य साथियों के नामों के खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। धार से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।